ये वाली सीट चाहिए होगी इसको, वो इसका इस तरीके का लुक आएगा। अब 400-500 रुपए के देते हैं, खामा का वेस्टेज है, लूट रहे हैं। बढ़िया लग रहा है, एक नंबर का लग रहा है। अपने सारे दोस्तों की बाइकों के टेल लाइट बना चुका हूँ, तो मैं भाइयों वायर कटिंग कर देते हैं। जाल तेरे नी खुदा दा कहर कुड़े नैन पे काबू तेरे बनते जहर कुड़े बस एक तो मंगी रब तो मंगी तेरी खैर कुड़े साडा कसूर सिका दा कटिया जो वैर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर गैरेज। तो भाई आज आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो क्या होने वाला है। बहुत सारे भाई इस वीडियो का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे, तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, एक हफ्ता लेट हो गई, क्योंकि लेट होने का रीज़न आपको पता ही है। मैं इस वीडियो को 22 तारीख को शूट करना चाहता था, आप लोगों को पता ही है 22 जनवरी को क्या था, तो उस चीज़ों को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। तो आपको सबसे पहले जो सबसे बेस्ट कमेंट है वो आपको स्क्रीन पर शो हो ही रहे होंगे। सभी भाइयों को दिल से जय श्री राम, और आप भी सारे भाई कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर से लिख देना। तो आज मैं आपको बताऊंगा, पहली बात तो उस वीडियो में थोड़े से डाउट्स रह गए थे कि कहाँ से आपको शीट परचेज करनी है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर मैं कर ही दूंगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए जल्दी से चलते हैं घर पे और टेल लाइट बनाते हैं। तो मैं ना एक एक्स्ट्रा ग्लास खरीद के लिए आया हूँ, क्योंकि इसी पे डिज़ाइन बनाएंगे हम, और जो बाइक में पहले से लगा हुआ था उसमें एक्स हम पहले से बना चुके हैं, ये भी बता दूंगा कैसे बनेगा, और जल्दी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना इसका जो आउटर सरफेस है ये पॉलिथीन हटा के, और जिसका आउटर सरफेस है ना सबसे पहले हम उसको ब्लैक करेंगे ब्लैक टेप की हेल्प से। तो भाई अभी मैंने बिल्कुल अच्छे से, आप देख सकते हो फिनिशिंग से बिल्कुल इसकी सारी टेपिंग कर ली है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे बीच का सरफेस कट करना है। बीच के सरफेस के लिए ना आपको है ना ये वाली शीट चाहिए होगी, इसको बोलते हैं डिफ्यूज़र। कहाँ से मिलेगी ना पिछली वीडियो में थोड़ा डाउट रह गया था, अब की बार मैं ना आपको अच्छे से बता दूंगा कहाँ कहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। बहुत सस्ती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राइस वगैरह भी बता दूंगा। तो अब जल्दी से ना मैं इस पर कट कर लेता हूँ, इसको बताता हूँ कैसे कट करना है। तो भाइयों इस शीट के ऊपर ना इसको इस तरीके से रख के, और फिर आप है ना मार्किंग कर लेना पेन से चारों तरफ, और फिर उस पीस को कट कर लेना। मैं जल्दी से कट करता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो भाइयों मैंने मार्किंग कर ली है अच्छे से, अब मैं इस पीस को कट कर लूँगा और सिंपली फिर पीछे से हम इसको फिट कर देंगे। जल्दी से कट कर लेता हूँ। तो भाइयों देख सकते हो मैंने वो पीस बड़ी अच्छे से कट कर लिया है। अब क्या करेंगे ना हम इस पीस के ऊपर स्टिकर लगाएंगे बाहर की तरफ से, यहाँ से देखो मैं एक स्टिकर कट करा के लाया हूँ, देख सकते हो इस पर स्टिकर कटा हुआ है ना, इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और कैसे कैसे अप्लाई करेंगे मैं बता ही दूंगा। और दूसरा अगर आपको एक्स बनाना है ना तो स्केल से कट हो जाता है सिंपल, ऐसी कोई टेप का टुकड़ा लेना इसके ऊपर लगाना और एक्स स्केल से कट कर लेना, वो मैंने ऐसे ही करा था और ईजिली बन, वो सबसे ज़्यादा ईजी है बनाना। अदरवाइज अगर आप क्रिएटिविटी करना चाहते हो तो कोई भी स्टिकर बनवा लाना और आपकी टेल लाइट रेडी हो जाएगी। अभी बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले जो स्टिकर इस पर ये बना हुआ है ना इसको आपको हटा के रख देना है, क्योंकि आपको आउटर सरफेस चाहिए, अभी वीडियो में भी पता चल जाएगा आपको। तो भाई देख सकते हो हमने अच्छे से कट कर लिया है, मतलब क्या बीच का पार्ट हमने निकाल लिया। अब इसके ऊपर हम स्टिकर को लगा देंगे, एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, देख सकते हो आपको इस तरीके से दिखेगा अभी। बाकी देखो थोड़ा थोड़ा आपको शो हो रहा होगा, देखो अब शो हो रहा है ना। अब मैं जल्दी से कर क्या करता हूँ इसके ऊपर स्टिकर को लगा देता हूँ। अब आप क्या करना ना टेप लेना और बड़ी वाली, और उसके ऊपर इसको देखो इस तरीके से बना लेना, देखो इसने बना लिया है, ऊपर ऐसे चिपका लेना,
और फिर स्टिकर इसके ऊपर आ जाएगा। देख सकते हो हमारा अच्छे से चिपक चुका है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अब क्या करेंगे हम, जो ये वाली टेप है ना इसको हटा देंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा टेप है ना, देख सकते हो जो एक्स्ट्रा, इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे और अपना स्टिकर एक नंबर का हो जाएगा। तो ये जब आप कट करो ना, थोड़ा थोड़ा पार्ट एक्स्ट्रा रखना, वो मैं आपको अभी पता चल जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ ये वाली बात। अब मैं जल्दी से इसको ग्लास में लगा देता हूँ। तो भाइयों मैंने थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दिया है, अभी अंदर से ना पेस्ट नहीं किया है। और अब आप देखना लुक एक बार, 1 2 3। अब भाई लुक देखो आप, थोड़ा सा नीचे का अब देखो भाई साहब, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, एक नंबर का लग रहा है। अभी क्या है ना, अंदर से लाइटनिंग वगैरह भी बताऊंगा हमें कैसे कैसे लाइटनिंग करनी है। तो अभी जल्दी से इसको पेस्ट करके, और उसके बाद बाइक में जो काम बचा है बाकी सब कुछ अब करने की जरूरत नहीं है। और बाकी भाइयों जो बाहर से आपको टेल लाइट मिलेगी ना, वो इतनी ग्लो नहीं करती जितनी हमारी ग्लो करेगी, क्योंकि हम है ना 3-4 LED फिट करेंगे। कैसे फिट होगी सारी चीज़ें आगे बताऊंगा, और प्राइस वगैरह। तो थोड़ा सा वेट करो, अब जल्दी से इसको पेस्ट करता हूँ, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। तो भाई अपना ग्लास एकदम प्रॉपर रेडी हो चुका है, फिनिशिंग वाइज आप देख सकते हो। मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ, और मैंने जहाँ जहाँ से कहीं से भी लाइट मतलब पास ना हो, इस वजह से मैंने सारी जगह से अच्छे से टेप वगैरह लगा दिए, और बाहर से कोई बता भी नहीं सकता कि भाई आपने खुद से बनाया है। और बाकी आप एक बार जल्दी से ना LEDs फिट कर लेते हैं हम अपनी टेल लाइट के अंदर। तो सबसे पहले ना ये एक तो मैंने पतली वाली LED परचेज करी है, जिससे कि ये 10-10 रुपये मिल जाती हैं, तो जिसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पर कर देंगे। और बाकी ये तो जो बड़ी वाली है ना, ये यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएंगी, मैं जल्दी से फिट करता हूँ। तो भाई देख सकते हो कि ना मैंने छोटी वाली जो हमारी पतली वाली LED है ना, उनको इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब इसको ना बताता हूँ आपको कैसे चिपकाना है। तो कुछ इस तरीके से, एक नीचे और फिर दो यहाँ पर आ जाएंगी। आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो, बट ये 3 बिल्कुल सफिशियंट है, काफी ज्यादा ब्राइटर रहेगी, और ब्रेक मारने पे ये ब्लिंक भी करेगी, क्योंकि बीच में ब्लिंकर भी लगा हुआ है। तो अब जल्दी से जो ब्लिंकर है वो तो कनेक्शन है ही हमारे, इनके और कनेक्शन कर लेते हैं साथ में तीनों LEDs के। तो जल्दी से बताता हूँ कैसे, उसके लिए ना आपको सीट खोलनी पड़ेगी। तो मैं जल्दी से पहले सीट खोल लेता हूँ, फिर करते हैं कनेक्शन। तो भाई LED के कनेक्शन के लिए ना इस वाले कपलर से ले लेंगे हम कनेक्शंस। तो ये वाला कपलर होगा एक बड़ा, यहाँ पे सिर्फ एक ही कपलर होता है ये बड़ा, बाकी सारे छोटे छोटे हैं। और विदाउट कोई वायर कटिंग मैं बताता हूँ आपको कैसे कनेक्शन करने हैं, तो इजीली हो जाएगा, कोई आपको वायर कट नहीं करनी। बस अगर आपको छोटी सी एक ट्रिक अप्लाई करनी है वो मैं बताता हूँ। एक वायर लेनी है, और वायर ना कोशिश करना मतलब बिल्कुल पतली सी वायर हो, और सिल्वर की मिल जाए तो और बेस्ट है। तो इस वायर को क्या करना, आप आगे से ना इतना छील लेना, इतने लंबी आपके पास वायर होनी चाहिए। और कपलर को ओपन कर लेता हूं मैं, फिर बताता हूं आपको कैसे कनेक्शन करने है विदाउट कोई वायर कटिंग। तो भाई देख रहे हो यहां पे हमें कनेक्ट करनी है वो वायर्स, मैं बताता हूं कैसे करनी है। इसको पहले मैं छील लेता हूं अच्छे से, तो इस कपलर को देखोगे तो एक ग्रीन कलर की होगी, एक ब्राउन, यानी एक मिडल में लगानी है आपको, एक यहां पर लगानी है मतलब लेफ्ट की तरफ ग्रीन में। तो और फिर उसके बाद इसको ना यहाँ पे इतना पतला छील लेना, फिर यहाँ पे ऐसे कर देना, फिर कपलर आप लगाओगे आपका काम एक नंबर का बन जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हो विदाउट कोई कटिंग हमारा काम बन गया। और देख सकते हो ये कभी टच भी नहीं होंगे, आप कभी सोचो टच हो जाए तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विदाउट कोई हमने वायर कटिंग। बाकी कहीं पे भी करवाओगे ना भाइयों वायर कटिंग कर देते हैं, और आपकी बाइक की वायरिंग कभी भी शॉर्ट हो सकती है उस केस में, या यहाँ पे थोड़ी टेप भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो, बाकी हम तो नहीं लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत काम है। अब इसको यहाँ से आगे टेल लाइट की तरफ आप भेज देना, यहाँ पे दिखा, फिर वाइजर की यहाँ से आप इसको इधर ले आना, और अपने कनेक्शन दे देना यहाँ इस तरफ से, फिर हेडलाइट इसके ऊपर से आराम से लग जाती है, मैंने स्प्लेंडर में भी लगाई हुई है। मैं यहाँ पे जल्दी से LEDs फिट करके कनेक्ट कर देता हूँ। तो भाई देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से हमने काम अपना कंप्लीट कर लिया है, वहां से तारा रखे भी इस पे हम कवर लगा देंगे अपना, और बिल्कुल अच्छे से लग भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब ब्रेक मारेंगे तो ये ब्लिंक भी करेगी, देख सकते हो, और अपनी वैसे जब बाइक ऑन रहेगी तो ये एक्स हमारा ग्लो करेगा, देख सकते हो कुछ इसका इस तरीके का लुक आएगा। अभी जल्दी से मैं इसको लगा देता हूँ, फिर दिखाता हूँ लुक। तो भाई वो आपने देख लिया LEDs हमने फिट कर ली, अब बस ग्लास फिट करना है। और देख सकते हो अभी जो फिट हो रखा है वो एक्स का फिट हो रखा है, एक्स भी आप ऐसे बना लेना, और अब हम राम जी का फिट कर देंगे। और देख सकते हो काफी ज्यादा इस मतलब HF Deluxe की टेल लाइट थोड़ी बड़ी होती है, तो काफी अच्छा लुक आ रहा है। और अब जल्दी से इसको खोलते हैं, और
मैं आपको एक बार स्प्लेंडर का भी चेक करा देता हूँ। स्प्लेंडर में भी लिखा था काफी ज्यादा, ये भी बढ़िया लगता है। तो अब जल्दी से इसको फिट करते हैं। देख सकते हो मैंने निकाल लिया है इसको बढ़िया से। ये भी एक नंबर का बना था और अपना ये भी बढ़िया ही बना है। अब दिखा देता हूँ अंदर, देख सकते हो LEDs वगैरह है। तो अब मैंने ना इसीलिए ऐसा जुगाड़ करा था ताकि 100 रुपए का ग्लास आता है अपने इसी को लाके और बहुत सारे डिजाइन बना लूंगा मैं, और जो जब हमारा मन करेगा वही वाला ग्लास उठा के इसमें लगा देंगे। तो देख सकते हो अब बस इसको सिंपली फिट करेंगे तो हमारी राम जी की टेल लाइट बन जाएगी। तो अब जल्दी से हम इसको लगाते हैं, फिट करते हैं। जल्दी से कर दे भाई, फिट कर दे। भाई देख सकते हो बढ़िया से कंप्लीट हो चुका है, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और आपको नाइट का रिस्पांस भी चेक कराऊंगा, और डे में ना अभी धूप थोड़ी ज़्यादा तो इतना विजिबल नहीं हो पा रहा, बाकी ब्रेक पे बढ़िया विजिबल आ रहा है थोड़ा बहुत। अभी आपको चेक होगा तो वो भी चेक करा दूंगा। और स्प्लेंडर भी देख लो एक बार, ये देख सकते हो भाई, जय श्री राम जरूर से लिख देना। तो दोनों बाइकें मैंने साथ साथ खड़ी कर दी हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, देख सकते हो दोनों बाइकों में मैंने राम लिख दिया है बढ़िया से। और भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा वीडियो धीरे धीरे। आपने सिनेमैटिक्स वगैरह फिटिंग वगैरह सारी चीज़ें देख ली, अब थोड़ा प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। तो 100 रुपये का ग्लास आया था और उस पर जो टेप लगी है वो 10-20 रुपये की लग गई थी। और जो अंदर जो मेन जो काम रहता है ना वो अंदर शीट का है, तो पिछली बार शीट का काफ़ी ज़्यादा डाउट रह गए थे वीडियो में। तो शीट का ऐसा है, वो शीट हमने परचेज करी है 100 रुपये की लाया था मैं, और आप देख सकते हो पूरा रोल है उसमें। मैं इतने अपने सारे दोस्तों की बाइकों के टेल लाइट बना चुका हूँ, दो तो इसकी बन गई, दो स्प्लेंडर की भी बन चुकी है, आपने देखा होगा। इसमें मुश्किल से 5-6 रुपये की लगी होगी वो। और अब बात आती है तो आपको परचेज कहाँ से करनी है, तो भाइयों देखो मैं उसे लाया हूँ जो हमारे यहाँ पे गुड़गांव में ना PVC के डीलर होते हैं, तो PVC के डीलर के पास ये ना बड़े बड़े रोल रखे होते हैं, क्योंकि ये ना लाइट वगैरह जहाँ भी बनती है ना वहाँ पे ये काम आ जाते हैं। दूसरा सीलिंग जो बनती है ना वॉल्स की, वहाँ पर भी ये काम आते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप PVC डीलर अपने गूगल पे सर्च कर लेना नियर बाय, वहां पे तो इजीली मिल ही जाएगा। अदरवाइज जो ऑप्शन है वो ये है कि ना आपके आसपास आपने देखे होंगे कि ओप्पो और वीवो के बोर्ड लगे होते हैं, तो ओप्पो जो लिखा होता है ना वो इसी शीट से लिखा होता है जस्ट, ठीक है। तो आपको वहां पे जाना है और पूछना भाई ये बोर्ड कहां से बन के आया है, तो जहां से बन के आया होगा वहां से आप जाकर परचेज कर लेना। सस्ती ही चीज है, सस्ते में ही आपको मिल जाएगी, ये इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो बाकी ऑनलाइन ऐसा है आप सर्च कर लेना, ऑनलाइन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है बाकी। और ऑनलाइन में ये भी नहीं, आपको थोड़ा सा अंदाजा आएगा कि भाई कितनी मीटर की क्या वहाँ से आएगा। तो इससे बढ़िया मैं यही बोलूँगा थोड़ा सा सर्च कर लेना मार्केट में। मैं एक बार गया था, मेरे को लग गए थे 15-20 मिनट मार्केट में घूमते, लेकिन मेरे को चीज़ अब जैसी मेरे को चाहिए थी वैसी मिल गई, और अब मैं कुछ भी डिज़ाइन बना सकता हूँ। गाइस जैसा आप देख सकते हो हमने अपनी दोनों बाइकों को ये राम जी का स्टिकर लगाकर ओनली वन इन इंडिया बना ही दिया है। तो ऐसे आप भी कोई भी स्टिकर अपने मन से क्रिएटिविटी करके डेवलप कर सकते हो और आपकी भी बाइक ओनली वन इन इंडिया बन जाएगी। इतना अच्छा मैंने आपको आइडिया दे दिया। और गाइज सही बताऊं, आप परचेज करोगे ना तो HF Deluxe की तो कहीं मिली ही नहीं रही, ये भी बात है। और जो कहीं मिलेगी तो 400-500 रुपये की देते हैं, खामा का वेस्टेज है, लूट रहे हैं। घर पे ये मुश्किल से बन गई होगी 50-60 रुपये में। भाई जो इसके अंदर लाइट मैंने फिट करी है ना वो 10 रुपये की एक लाइट थी, और दूसरा जो राम जी का स्टिकर बनवा के लाया था ना वो बना था 30 रुपये का। तो भाइयों मैंने सारी चीज़ें तो आपके साथ डिस्कस कर ही ली हैं भाइयों, और अब भी कोई बात मैं बतानी भूल गया हूँ तो आपको मेरे साइड में इंस्टाग्राम हैंडल शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर आकर मेरे से बात कर सकते हो। बहुत सारे भाई हैं जो वहाँ पर मेरे से बात करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, तो आपको इंस्टाग्राम हैंडल तो शो हो ही रहा होगा, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लो। और भाइयों आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये वाली वीडियो तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस वजह से डिले हो गई थी। सारे भाई जय श्री राम जरूर से लिख देना, आपका मुझे कमेंट का बहुत ज़्यादा वेट रहता है, तो प्लीज़ कमेंट आप जरूर से करना, मैं सारे भाइयों का कमेंट पढ़ता हूँ और उसी से ही रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ सारे भाई कमेंट जरूर से कर देना, और बाकी आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे वीडियो जरूर से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए आ जाए। और अब वीडियो डिले नहीं होगी, अब मैं आपके लोगों के लिए रेगुलर कंटेंट लाता रहूंगा। तो भाइयों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।